इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। जो वेव थ्योरी थी बेटे वो फेलियर थी। जो क्यों ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि नेचर में वेव थ्योरी का फेलियर क्यों हुआ, जबकि जो हमारा मॉडर्न थ्योरी थी वो ये है जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो फेलियर था वेव थ्योरी का वो ये था कि वेव थ्योरी का ये कहना था कि जब कोई वेव फ्रंट, जब लाइट के वेव फ्रंट किसी एक मेटल सरफेस पर जाके पड़ते हैं तो वो वेव फ्रंट उस मेटल के मेटल सरफेस के हर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वो सारी की सारी एनर्जी वेव फ्रंट की कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो मेटल सरफेस के होते हैं। और दूसरा, जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते चले जाते हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से जो लाइट में इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उनके एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर लाइट के एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहे हैं तो इंटेंसिटी बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, उसका कहना था एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। और अगर उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वेव थ्योरी का यह कहना था कि जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते चले जाते हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे हम इस लाइट को, लाइट की इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करते चले जाएंगे तो मतलब हम लाइट की एनर्जी को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। जितना ज्यादा हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते चले जाएंगे लाइट की एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी, और लाइट की जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। ये कहना किसका था, वेव थ्योरी का। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने लैब में ये करके दिखाया। और अगर हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, लाइट की अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने के नाम पर हम क्या इंक्रीज करते हैं, उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करते हैं। लेकिन वो जो फोटॉन्स थे उनकी एनर्जी पहले भी उतनी थी, एनर्जी अभी भी उतनी है। तो अगर हम लाइट की एनर्जी, लाइट की हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से सिर्फ क्या इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स। और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर सूटेबल फ्रीक्वेंसी के हैं तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा निकालेंगे, करंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से उनकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या था, दिस इज द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। क्योंकि वेव थ्योरी ने, फोटोइलेक्ट्रिक थ्योरी ने यह बताया, मॉडर्न थ्योरी ने, कि अगर मुझे लाइट की एनर्जी इंक्रीज करनी है तो मुझे क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। पहला समझ में आया? तो पहला जो फेलियर था वो ये था, इसका ये कहना था लाइट की इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज होगी, और उस लाइट को इंटेंसिटी को आप बढ़ाते जाओ 10 वोट 20 वोट 30 वोट, जितना मैं लाइट का वो इंटेंसिटी बढ़ाता चला जाऊंगा उतनी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उससे मेटल सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उतने बढ़ेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन का निकलना अलग चीज है, एनर्जी बढ़ना अलग चीज है। इंटेंसिटी किससे बढ़ती है, तो आंसर है नंबर ऑफ फोटॉन से। इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो क्या नहीं बढ़ती, एनर्जी नहीं बढ़ती, एनर्जी सबकी पहले भी उतनी थी अभी भी उतनी है। ये बात समझ में। नंबर दूसरा इसका फेलियर ये था, नो मैटर कि लाइट की फ्रीक्वेंसी चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली एक सरफेस पर डाल रहा हूं और वो एक प्रॉपर टाइम तक लाइट की इंटेंसिटी उस मेटल सरफेस से पड़ेगी तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जबकि मॉडर्न थ्योरी ने प्रूफ करके दिखाया ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी नहीं तब तक वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करेंगे नहीं। चाहे आप लाइट के कितने भी, लाइट की इंटेंसिटी चाहे आप कितनी भी इंक्रीज कर लो, लेकिन उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी इजेक्ट नहीं होंगे। देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ किसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में। क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी नहीं तब तक ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा नहीं। और तीसरा और जो सबसे अहम था वो ये था कि इसका ये कहना था कि जब ये वेव फ्रंट किसी एक मेटल सरफेस पे जाके पड़ते हैं तो मान लो इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 100 जूल का है, कितना, तो यहां से एक फोटोन पड़े, यहां से एक फोटोन आया, वो फोटोन एनर्जी लेकर आया 100 है। तो इसका ये कहना था, और इस मेटल के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ये कहना था वेव थ्योरी का, अगर ये लाइट यहां पे मेटल सरफेस से पड़ेगी, 100 जूल की एक लाइट पड़ रही है तो ये 100 जूल की लाइट जितने भी 100 इलेक्ट्रॉन है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सबसे सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक एक जूल की एनर्जी लेंगे। अच्छा, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकले हैं आंसर में, तो इसका कहना था लाइट धीरे धीरे पड़ती चली जाती है, पड़ती चली जाती है, जब सब सबके सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ बढ़ के कितनी हो जाएगी, 100 जूल हो जाएगी, तभी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू करेंगे। जबकि हमारी जो मॉडर्न थ्योरी थी, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी थी, उसने बताया दिस इज द फेलियर। इसने बोला ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जब ये लाइट जहां पे पड़ेगी तो जिस इलेक्ट्रॉन पे जाके लाइट पड़ेगी वो इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी को लेकर इंस्टेंटली क्या होगा, तुरंत बाहर हो जाएगा। वो किसी का वेट नहीं करेगा कि लाइट आएगी कि धीरे धीरे आएगी,
जब सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबकी इवर फंक्शन के बराबर हो जाएगी तब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेंगे, ऐसा नहीं है। जो फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन पे जाके पड़ेगा उनको एनर्जी देगा और वो इलेक्ट्रॉन अकेला क्या करेगा उस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। ये प्रूफ हमारा किसका, दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। हम 16 साल में देखते हैं लाइट जैसे सरफेस से पड़ती है बल्ब एकदम जलना शुरू हो गया, क्यों जला? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। अगर ऐसा नहीं होता तो लाइट पड़ती जा रही सुबह से शाम तक, चार घंटे हुए लाइट पड़ गई, उसके बाद सब इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन धीरे धीरे बढ़ गया, बढ़ने के बाद क्या करा उसने आराम से बल्ब जलाना शुरू कर दिया, ऐसा होता है क्या? क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब लाइट का पड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। हर फोटोन एक फोटोन खुद एनर्जी लेकर वो बड़ा सेल्फिश होता है, समझ में आई? दूसरे का इंतजार नहीं करता, खुद को एनर्जी मिली चुपचाप निकल गया, बस समझ में आई? और उसका कहना था ये एनर्जी सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं धीरे धीरे करके, एनर्जी बढ़ाते हैं, इट रिक्वायर द टाइम बट दिस इज द फेलियर। क्लियर हो गया आप सबको कि जब हम लाइट की, जब लाइट एक मेटल सरफेस पे पड़ती है तो लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से, वेव थ्योरी कहना था अगर लाइट की हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी के नाम पर हम उसकी एनर्जी इंक्रीज करते हैं, और ये लाइट की इंटेंसिटी हम जितनी ज्यादा मेटल सरफेस पर डालेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। जबकि मॉडर्न थ्योरी ने बताया ऐसा नहीं है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो लाइट पड़ रही है उसकी एनर्जी पहले भी उतनी थी, एनर्जी अभी भी उतनी है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरे ने बताया जो इसका फेलियर था, दूसरे ने बताया कि भाई ये कहना था वेव थ्योरी का कि लाइट की फ्रिक्वेंसी हम चाहे जो मर्जी रखें, बस हमारा मतलब किससे, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओ। इंटेंसिटी अगर लॉन्ग टाइम तक आप एक सरफेस पर डालते जाओगे तो वो एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी उसकी, मेटल के इलेक्ट्रॉन की इतनी बढ़ जाएगी वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी सरफेस में से निकाल देगा। जबकि लैब में करके देखा ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। क्यों नहीं ऐसा था? क्योंकि हमें पता, यस, क्योंकि हमें पता है कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी हमने करके देखा, जब तक लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी नहीं, चाहे हम लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज कर दें, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो सकता। और चौथे ने बोला कि जो लाइट पड़ती है मैटर सरफेस पे वो कैसे पड़ती है, तो आंसर पूरी सरफेस पे जाके पड़ती है, और जब तक इस सब के सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल नहीं होगी तब तक वो इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं करेगा, बात समझ में आ गई? तब तक नहीं करेगा। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने करके दिखाया ऐसा नहीं है, जिस इलेक्ट्रॉन के पास जाके लाइट पड़ेगी वो एनर्जी, अगर वो लाइट वर्क फंक्शन के इक्वल है इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएंगे, इट विल नॉट, देयर विल बी नो टाइम लैगिंग इन बिटवीन। ये कहती है कि पहला भाई अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हेन द वेव फ्रंट ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस इट एब्जॉर्ब एनर्जी द एनर्जी एंड द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्ट क्या मिलता है उससे कि इंक्रीज क्या हो जाती है हमारी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, वो प्रूफ करके दिखाया इंटेंसिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट किससे होती है, एनर्जी से। हम लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज करें एनर्जी में इंक्रीज कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन करंट बढ़ रहा है वो इसलिए नहीं क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, तो क्योंकि मॉडर्न थ्योरी ये डिपेंड करती थी कि एनर्जी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, और एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी बढ़ाने से एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा बताया कि दूसरी थ्योरी ये कहती है कि भाई लाइट की फ्रीक्वेंसी आप चाहे कुछ भी रखो, क्लासिकल थ्योरी ये कहती है लाइट की फ्रीक्वेंसी आप कुछ भी रखो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ कंटिन्यूअसली एक सरफेस पे लाइट क्या होगी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। जबकि मॉडर्न थ्योरी ने बताया नहीं, लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चाहे आप लाइट इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तीसरे ने बताया कि जो थ्योरी थी तीसरी उसने ये बताया कि जब लाइट एक मेटल सरफेस से पड़ती है तो लाइट सभी पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और वो लाइट जैसे जैसे पड़ती चले जाएगी धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ बढ़ के किसके इक्वल हो जाएगी वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगी, तो ये मेटल अपने सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ इजेक्ट करेगी। जबकि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मॉडर्न थ्योरी ने बताया इलेक्ट्रॉन का निकलना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जो फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन में पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल देगा, और ये बड़ा इंस्टेंटेनियस है, इसमें लाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई ज्यादा टाइम लगेंगे नहीं होगा। दिस इज द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।